Hi friends, good morning. Aapka dost Rajan Gupta for last 24 years in teaching profession. Aaj aapke saath ek bahut important poem discuss karunga. Sailing to Byzantium. Kisne likha hai isko? Masterclass poet W.B. Yeats saab ne. Bahut hi shandar poem hai. Aapke exam MEG 1 ke andar. Isko even stanza ke roop mein. जहां आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी एनोटेशन देना होता है पैसेज का पोएम के स्टेंजा का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला उससे भी पूछा गया है और 20 मार्क्स का फुल फ्लैज लॉन्ग आंसर भी आपके लिए रखा जाता है एग्जाम के एंगल से बहुत पोटेंशियल है मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी और पेन लिया हुआ है सारी इंपॉर्टेंट डिटेल प्लीज नोट करते चले इसमें मैं आपको पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा और फिर उसको बाद में डिस्कस भी करूंगा तो अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम इवन वो इसको ऐसे भी फ्रेज कर सकता है कमेंट ऑन द ऑपोजिशन ऑफ आर्ट एंड लाइफ एंड Youth and old days in sailing to Byzantium. इसी में आगे are the two opposition related to each other discuss. तो ये इस question का answer हम इस poem में बहुत अच्छे से समझेंगे और आप इसको लिखते वक्त सारा present indefinite यानी verb की first form से लिख सकते हैं बहुत ही शानदार है exam के angle से बहुत ही potential है दोस्तों जब भी आप किसी पोएम का आंसर लिख रहे हैं लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं बहुत अच्छा हो आप पोएट के बारे में भी 40 टू 50 वर्ड्स और इवन हो सके तो ज़्यादा 100 वर्ड्स उसके बारे में लिख पाएं इससे जो आपके पेपर को इवैल्यूएट कर रहे हैं मार्क्स दे रहे हैं उनके अंदर एक पॉजिटिव आइडिया येस कि ये स्टूडेंट को सिर्फ एक समरी या क्वेश्चन का आंसर ही नहीं इवन पोएट के बारे में भी अच्छी नॉलेज है तो थोड़ा सा पोएट के बारे में जैसे कि हम जानते हैं डब्ल्यू बी येट्स आयरलैंड के पोइट हैं और ओसम पोइट हैं बहुत ही नॉबल पोइट प्रेस्टीजियस पोइट कहे जाते हैं इवन इनको इनके लिटरेचर के लिए नॉबल अवार्ड भी दिया गया है मीन ही हैज़ बीन ड्यूली रिकग्नाइज्ड हिज वर्क हैज़ बीन ड्यूली रिकग्नाइज्ड और इस पोएम को 1926 में इन्होंने लिखा और इवन ये इनकी एक पोएम के कलेक्शन टावो में भी इसको इसको छापा गया दोस्तों ये फोर स्टेंजा में पोएम लिखी गई है और ईच स्टेंजा हैज गॉट 8 लाइंस तो 4 8 32 सो 32 लाइंस की पोएम है पोएम बहुत छोटी है स्टिल इट इज ब्यूटिफुल परफेक्ट पोएम है पोइट यहाँ बाइजेंटियम मैं बता दूं आपको बाइजेंटियम एक इमेजिनरी प्लेस है वैसे ये प्लेस हुआ करता था टर्की टर्की की जो राजधानी है इस्तांबुल उसका पुराना नाम बाइजेंटियम हुआ करता था दोस्तों आप नोट कर रहे हैं मुझे उम्मीद है अगर आप ये सब लिखेंगे तो यू विल गेट अ वेरी गुड आंसर एंड दिस आंसर विल गेट यू 18 मार्क्स आउट ऑफ 20 और इवन मोर देन दैट है ना तो पहला आप थोड़ा सा पोएम की तरफ चलें तो दोस्तों जब पोएट ने इस पोएम को लिखा तो ही वाज इन द एज ऑफ 60 ही वाज 60 ईयर ओल्ड और ओल्ड एज में जो फीलिंग्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं फीलिंग ऑफ नेगलेक्ट या थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है सडनली हम फील करना शुरू कर देते हैं दैट वी आर नो मोर वांटेड that we are no more important in society और poet भी उसी phase से होकर गुजरता है poet को feel होता है कि Byzantium अब उसके लिए fit नहीं रह गया है sorry Ireland अब उसके लिए fit नहीं रह गया है क्यों Ireland is only useful is only attractive for young people young man and women why because they always make love with each other दे डू रोमांस विद ईच अदर लेकिन क्योंकि वो बुढ़ापे में आ गया है नाउ ही इज नो मोर एबल टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन सच सेंसुअल एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स
थिंग्स. उसको लगता है कि ओल्ड पीपल की जो वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है, अब वो आयरलैंड के अंदर नहीं रही है. वो बुढ़ापे में आने के बाद ही थिंक्स अबाउट द पैशन ऑफ यूथ. आप थोड़ा क्रूड लैंग्वेज में फील करें तो ही इज फीलिंग जेलस ऑफ देम दैट दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एंड ही इज नॉट एबल टू. आप इसको लिखे ना, मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ दैट दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ बट ही इज नॉट एबल टू. वाई? बिकॉज ही हैज गॉट ओल्ड, ही हैज गॉट वीक, ही हैज गॉट विदर्ड, है ना, सूख गया है. अब दिस पोएम इज अबाउट जर्नी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पैशन. मतलब पैशन से उसे फ्रीडम चाहिए. मतलब वो आयरलैंड को ओनली यूजफुल फॉर पैशनेट पीपल मानता है. उसको लगता है उसका उसके लिए कोई फायदा नहीं है. उसके लिए इट इज जर्नी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम लस्ट, सेक्सुअल डिजायर से फ्रीडम चाहिए. इट इज ए जर्नी टू स्पिरिचुअलिज्म. तो जो पोइट है वो, क्योंकि वो अब अनहैप्पी है, क्योंकि वो अब इस आयरलैंड में रहते हुए डिससेटिस्फाइड है, तो वो अपनी फ्रीडम चाहता है. ही वांट स्पिरिचुअल रीजनरेशन. ही वांट्स स्पिरिचुअल रीजनरेशन. उसको लगता है कि जो यंग जनरेशन है, इट इज इन्वॉल्व ओनली इन रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड नथिंग एल्स. और उसको लगता है दैट उसको अपने आप को वो कैसा फील करता है, वो अपने आप को एक स्केयर क्रो जैसा फील करता है. आप जानते हैं स्केयर क्रो, स्केयर मतलब डराना, क्रो मतलब कौवा. तो स्केयर क्रो जो होता है वो खेतों में लगा दिया जाता है और इंसान जैसा वो लगता है, और उससे चिड़िया और दूसरे पक्षी खेत में आके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनको वो आदमी जैसा प्रतीक होता है. तो ये अपने आप को स्केयर क्रो जैसा फील करता है. ये फील करता है जैसे कि अपने आप को ऐसा फील करता है जैसे कि वो एक पैंट और शर्ट को एक हैंगर में एक डंडे पे टांग दिया जाए, तो वो झूलते हुए से, लटकते हुए से, तो ही फाइंड हिमसेल्फ इन दैट सिचुएशन. अब ये तो ये क्या फील कर रहा है कि जी जो उसकी मदरलैंड आयरलैंड है, इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस, एन आइडियल प्लेस फॉर ओल्ड पीपल. और यंग पीपल आर इन्वॉल्व ओनली इन सेंसुअल लाइफ एंड उसके लिए एक ही इससे साल्वेज है, एक ही मुक्ति है, एक ही एस्केप है. क्या? ही शुड फॉलो आर्ट ऑफ वर्क. व्हाई? बिकॉज आर्ट ऑफ वर्क इज इमोर्टल. और उसके लिए उसे कहाँ जाना होगा? बिकॉज आयरलैंड इज नॉट फिट, ही हैज टू गो टू वन इमेजिनरी प्लेस, बाइजेंटियम. दोस्तों यहाँ मैं आपसे पहले बता दूँ, कई बार कुछ पोइट डब्ल्यू बी येट्स को क्रिटिसाइज करते हैं इस पोएम के लिए, ये कहते हुए दैट ही इज एस्केपिंग, escape मतलब बचना, बच के निकलना. ही इज एस्केपिंग फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ ओल्ड एज. व्हेन ही वाज यंग ही एंजॉयड हिज सेंसुअल लाइफ इन आयरलैंड. अब जब वो ओल्ड हो गया है तो उसको सेंसुअल लाइफ खराब लग रही है, और आयरलैंड के लोग और आयरलैंड की जो सोसाइटी है वो अब उसको सूट नहीं कर रही है. बट व्हेन ही वाज यंग ऑल दीज थिंग्स वर वेरी मच सूटेबल, वेरी मच प्रेफर्ड बाई हिम. ये कुछ दूसरे क्रिटिक्स का ऐसा मानना है. तो अब ये जो डब्ल्यू बी येट्स है वो डिसाइड करता है कि वो बाइजेंटियम चला जाएगा. ही विल गो टू बाइजेंटियम. और उसके लिए वो एक समय भी चुनता है, अर्ली मॉर्निंग का. अर्ली मॉर्निंग का समय क्यों चुनता है? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है वो कंपैरेटिवली पीसफुल है. कैसे पीसफुल है दोस्तों? क्योंकि राजा के जो ड्रंकन सोल्जर हैं, जो लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, इधर उसको मार रहे थे, उधर उसको पीट रहे थे, नाउ दे हैव गोन बैक टू देयर होम्स, दे हैव स्लेप्ट, दे हैव रिटायर्ड टू देयर बेडरूम्स, वो सो गए हैं. सिमिलरली जो प्रोस्टिट्यूट्स थी, हारलोट वेश्याएं थी, जो अपने गाने गा रही थी, जो लोगों को अपनी तरफ सेंसुअली अट्रैक्ट कर रही थी, वो भी अब अपने काम से थक गई हैं, और इसके बाद वो भी अपने घरों को लौट गई हैं.
तो दोस्तों जितनी भी गलत एक्टिविटी होती हैं, सेंसुअल एक्टिविटी होती हैं, क्राइम लाइक एक्टिविटी होती हैं और इलीगल एक्टिविटी होती हैं या इमोरल एक्टिविटी होती हैं, नाउ दे हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। और ये मॉर्निंग का टाइम बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत पीसफुल है और तब वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है बायजेंशियम के लिए और सूरज के उगते उगते ही हैज़ रीच्ड बायजेंशियम। यहाँ दोस्तों उसने तीन चीज़ों को कंपेयर किया है। सबसे पहले वो ट्रीज़ को देखता है, वहाँ पे जो ट्रीज़ जो है वो गोल्डन ट्रीज़ हैं और उनकी जो ब्रांचेज हैं, जो उनके पत्ते हैं, दे आर ऑल्सो गोल्डन। और वो उनको अर्थ के अपने प्लेस के ट्रीज से कंपेयर करता है कि किस तरह से इनके पत्ते जो है वो पीले पड़ेंगे और पीले पड़ने के बाद टूट कर गिर जाएंगे और इन पेड़ों पर ऑटम यानी पतझड़ भी आएगा, लेकिन बायजेंटियम के ट्रीज के पत्ते हमेशा वैसे ही रहेंगे और उन पर कोई ऑटम नहीं आएगा, वो कभी पीले नहीं होंगे, वो कभी बूढ़े होकर नहीं गिरेंगे। दूसरा कंपैरिजन वो करता है दोस्तों फायर का। वो वहाँ पे एक फायर को देखता है जो बायजेंटियम में है, वो इसको फायर ऑफ ब्राइड मानता है, बहुत अट्रैक्टिव मानता है और वो जब इसको छूता है तो उसको सडनली इसमें एक बर्निंग सेंसेशन नहीं मिलता, और अगर वो मिलता है तो कौन सा बर्निंग सेंसेशन है, जो उसकी लस्ट को, जो उसकी मटेरियलिस्टिक फीलिंग्स को, जो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को जला देंगी, जो उसको प्योर कर देंगी, जो उसमें से सभी इमोरल फीलिंग्स को निकाल देंगी। ये उस फायर का, बायजेंटियम वाली फायर का इफेक्ट है, जबकि अर्थ वाली फायर कैसी होती है, इट गिव्स ए बर्निंग सेंसेशन, इट गिव्स ए पेनफुल एक्सपीरियंस। वो तीसरी बात करता है एक गोल्डन बर्ड की। अगर अर्थ पे एक पक्षी है तो वो क्या करेगा, वो एक गाना गाएगा और उसके बाद वो रुक जाएगा, थक जाएगा। इसके अलावा उसका गाना भी जो है वो किस तरह का हमारे अंदर इम्पैक्ट इंड्यूस करेगा, इम्पैक्ट को अराउज करेगा, कैसा, सेंसुअल फीलिंग्स वाला, है ना, मटेरियलिस्टिक फीलिंग्स वाला। लेकिन बायजेंटियम में जो बर्ड है, गोल्डन बर्ड है वो, और वो गाना गाता ही रहेगा, वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी रुकेगा नहीं, और दोस्तों उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, इवन जो ड्राउजी एम्परर है, पोइट कहता है जो बादशाह जो है ड्राउजी एम्परर भी हैं, उनको भी वो कॉन्शियसनेस में ले आएगा, वो सोते हुए लोगों को जगा देगा, वो उनके लस्टफुल डिज़ायर को ख़त्म करके उनके अंदर मॉरल डिज़ायर प्रोड्यूस करेगा। तो उस गोल्डन बर्ड के म्यूज़िक से सिर्फ पॉजिटिविटी निकल के आएगी, नेगेटिविटी निकल के नहीं आएगी। वो वहाँ डॉल्फिन्स की बात भी करता है और मिथोलॉजी में, क्रिश्चियन मिथोलॉजी में, यूरोपियन मिथोलॉजी में माना जाता है कि जो डॉल्फिन है वो हेवन से आई हुई है और अगर आप इसकी कमर पे बैठ जाएं तो ये डॉल्फिन आपको हेवन में लेके जा सकती है। और वहाँ बायजेंटियम में उसको वहाँ डॉल्फिन भी दिखती हैं और वो उन डॉल्फिन को देख के बहुत अच्छा फील करता है और वो विश करता है कि वो भी इनकी बैक पे बैठेगा और इस अर्थ को छोड़ के ब्यूटीफुल हेवन की जर्नी कर पाएगा। तो इस तरह से ये जो पोइट है, जो अपनी 60 ईयर की ओल्ड एज में आयरलैंड के सेंसुअल लाइफ से फेडअप हो चुका है, वो इसको छोड़ना चाहता है, वो अपनी लाइफ को बायजेंटियम नाम के इस स्पिरिचुअल प्लेस पर जीना चाहता है। और जैसा मैंने बताया तो ये क्या है, ये पोएम, पोएम इज ए क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल रीजनरेशन। वो चाहता है कि वो अपने आप को स्पिरिचुअली दोबारे जनरेट करे, वो अपने आप को इस लोअर लेवल ऑफ लाइफ से हायर लेवल ऑफ लाइफ की तरफ लेके जाना चाहता है, वो इस इंफीरियर वे ऑफ लाइफ से सुपीरियर वे ऑफ लाइफ की तरफ जाना चाहता है। और मैंने आपको बताया पोएट ने, कुछ पोएट्स ने, कुछ क्रिटिक्स ने उसको यहाँ डब्ल्यू बी येट्स साहब को यहाँ एस्केपिस्ट कहा है, जिसने अपने समय में इन सब चीज़ों को एंजॉय कर लिया और जब वो ओल्ड एज्ड हो गया है तो उसको यही चीज़ें ऑब्जेक्शनेबल, इमोरल, अनलॉफुल एंड लगती हैं। तो खैर ये एक मास्टरपीस है डब्ल्यू बी येट्स साहब का, बहुत ही शानदार पोएम है, एग्ज़ाम के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दो तीन बार चार बार लिख के देखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलवा देगी।
अगर आपको इस पोएम का वर्ड टू वर्ड एनोटेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं एक बहुत ही शानदार आपके लिए एनोटेशन दूंगा, और जिससे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 MEG का कंपलसरी क्वेश्चन के लिए आपको और अच्छे से तैयार हो जाएं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और मिलते हैं आपके साथ जल्दी ही किसी और दूसरी इम्पॉर्टेंट नॉवल, ड्रामा और पोएम की समरी के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे इसको लाइक कर दें इस वीडियो को, और कोई भी अगर आपके रिक्वायरमेंट हो तो मुझे पक्का आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं एट द अर्लीस्ट विल ट्राई टू पोस्ट दैट वीडियो। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जय भारत, जय हिंदुस्तान।